नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOBPVT को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। शहरी क्षेत्रों का तेजी से नीचे जा रहा है भू जल स्तर। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में होगी 10% की बढ़ोतरी। बिहार के 20 से अधिक जिले में पेट्रोल की कीमत पहुंची 112 रुपए। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शहरी क्षेत्रों का तेजी से नीचे जा रहा है भू जल स्तर। प्रदेश का अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में इतनी गर्मी है कि लोग अभी से ही जून जुलाई की गर्मी के बारे में सोच रहे हैं कि इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। यही नहीं, बड़ी ही तेजी से शहरी क्षेत्र का भू जल स्तर भी नीचे जा रहा है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। सप्लाई पानी का फ्लो कम हो गया है। लोगों को पेयजल की समस्या अभी से महसूस हो रही है। समस्तीपुर में 16 फुट नीचे जल स्तर बताया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 साल की तुलना में जल स्तर इस महीने में काफी कम गया है। जल स्तर के नीचे जाने की समस्या फिलहाल अभी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटे में मौसम ले सकता है यू टर्न। मार्च के महीने में ही जून जुलाई जैसी झुलसाती गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। लेकिन राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अगले 24 घंटे में मौसम में तेजी से बदलाव होगा और साथ ही हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना बनी हुई है। बिहार में 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बौछार की संभावना बनी हुई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम अगर इस तरह यू टर्न लेती है तो लोगों को गर्मी से बहुत ही राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान अधिकतम तापमान में कमी बनी रहेगी, पर 2 अप्रैल के बाद फिर मौसम के तेवर बदल सकते हैं। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में होगी 10% की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में 4 लेन की सुविधा जरूर मिली है, लेकिन ये सुविधा आपको मुफ्त में नहीं मिल रही है। इसके लिए आपको टोल टैक्स के तौर पर चुकाना होगा। इसी बीच खबर यह है कि बिहार में अब NH 57 पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर गाड़ियों का दौड़ना महंगा हो जाएगा। सरकार ने अच्छी सड़क के बदले अधिक टैक्स लेने का फैसला किया है, जिसमें करीब 10% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में पटना से दरभंगा जाने में आपको करीब पॉकेट से 17 रुपए अधिक लगाने होंगे। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अनियमितता पर नपेंगे शिक्षा अधिकारी। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में लेट लतीफी भी लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी बन गई है। आए दिन इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मुहिम छेड़ी जाती है, लेकिन शिक्षा अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंगते। ऐसे में सरकार ने इन अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए ठोस कदम उठाने की पहल की है। बिहार सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के लिए दोषी कर भी पदाधिकारी के साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यदि जांच की कार्रवाई लंबित हो तो उसे 2 दिनों में निष्पादित करना होगा। बिहार में जल्द ही आएगी नई टेक्सटाइल नीति। बिहार में उद्योग लगाने के लिए और बेरोजगारी हर संभव दूर करने के लिए बिहार सरकार और उद्योग मंत्री तत्पर है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य में जल्द ही नई टेक्सटाइल नीति लाई जाएगी। इस नीति के मदद से पटना सिटी समेत कुछ अन्य शहरों में भी टेक्सटाइल उद्योग को स्थापित किया जाएगा। खासकर अंडरवेयर सहित अन्य रेडीमेड गारमेंट्स के उद्योग लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ बिहार में भी बेहतर कंबल बनाने के लिए कामगारों को प्रशिक्षित किया जाना है। साथ ही ये कोशिश होगी कि बिहार में बने कंबल सिर्फ बिहार के लोगों की जरूरत पूरी न करे बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाए। अस्पतालों के कायाकल्प के मामले में बिहार का ये जिला बना टॉपर। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि अभी भी बिहार के सभी जिलों में सदर अस्पताल बेहतर ढंग से विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन भागलपुर वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भागलपुर को जिला अस्पताल की श्रेणी में कायाकल्प के तहत राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यही नहीं, इस जिले के अन्य अस्पतालों को भी कायाकल्प अवार्ड से नवाजा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहकुंड और रनर अप पुरस्कार रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज को प्राप्त हुआ है। ईओयू के हाथ लगा एक और भ्रष्ट अधिकारी। आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में आज यानी कि बुधवार को ईओयू की टीम ने छापा मारा। बालू के अवैध खनन और गैर कानूनी व्यापार में पटना जिले के रानी तालाब थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आर्थिक अपराध इकाई की टीम आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 29 मार्च को केस दर्ज कर चुकी थी। इसके बाद आज सुबह सतीश कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्राथमिकी के अनुसार तत्कालीन थानेदार ने अपने सेवाकाल में आय से 61.28% अधिक संपत्ति अर्जित की है। आईटीआई कॉलेज में नामांकन प्रतिशत में आई कमी।
आईटीआई कॉलेज में नामांकन प्रतिशत में भारी कमी आई है। आज बिहार विधानसभा में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री घिर गए। दरअसल भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूछा कि निजी क्षेत्र के आईटीआई कॉलेज में नामांकन का प्रतिशत लगातार गिरते जा रहा है। निजी क्षेत्र के संस्थानों को मान्यता देने में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जाती है, सरकार इस मामले में क्या कर रही है। जीवेश मिश्रा की अनुपस्थिति में प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने सदन को बताया कि हम मानते हैं कि नामांकन में गिरावट जरूर आई है और नामांकन में गिरावट की वजह कोरोना है। बिहार के 20 से अधिक जिले में पेट्रोल की कीमत पहुंची 112 रुपए। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता को डरा रहे हैं। इन दिनों लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम ने लोगों को त्रस्त कर दिया है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए। इसके साथ ही बिहार में भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। बुधवार यानी कि आज राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 82 पैसे बढ़ाकर 110.85 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस तरह से डीजल की कीमत भी 62 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बिहार के करीब 22 जिलों में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव पर लग सकता है ग्रहण। बिहार में 4 अप्रैल को विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी के चुनाव का पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में होने वाले चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित भी होने की संभावना है। बिहार निर्वाचन आयोग ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अप्रैल मई में होने वाले निकाय चुनाव को टाला जा सकता है। चुनाव टालने को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ी वजह बताई है कि इस बार चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि चुनाव टालने के अलावा निर्वाचन आयोग के पास दूसरा विकल्प पर विचार भी किया जा सकता है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में गिरिराज सिंह को मिला 9वां स्थान। बिहार के बोचहा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इस चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों के लिए 40 नेताओं की सूची जारी की। भाजपा ने चुनाव आयोग को अपने 40 नेताओं की लिस्ट दे दी है, जिसमें पहले नंबर पर डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम है। और खास बात यह है कि इस लिस्ट में एक ही प्रचारक का नाम 2 बार दे दिया गया है। वहीं गिरिराज सिंह को इस लिस्ट में 9वां स्थान मिला है। दरअसल गिरिराज सिंह जिस समाज से आते हैं, उस समाज का वोटर बोचहा विधानसभा क्षेत्र में काफी है। भूमिहार वोट बोचहा में निर्णायक है। गिरिराज सिंह उस समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके बाद भी भाजपा नेतृत्व ने गिरिराज सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9वें स्थान पर जगह दी है। महाबोधि मंदिर के सुरक्षा के साथ हुआ खिलवाड़। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पर 2 बार हमले हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को महाबोधि मंदिर को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। एक बार फिर से महाबोधि मंदिर की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां मंदिर परिसर में लोगों को बिना जांच के ही प्रवेश करा दिया गया, जबकि मंदिर परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। मालूम हो कि बौद्ध मॉनेस्ट्री की तरफ से कैंडल लाइट प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था। इस मामले में बगैर सुरक्षा जांच के ही लोगों को मंदिर में प्रवेश करते देखा गया। सांसदों की तरह विधायकों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज की सुविधा। बिहार सरकार अब विधायक और पूर्व विधायक को भी स्वास्थ्य से जुड़ी विशेष सुविधा देगी। आपको बता दें कि सांसदों की तर्ज पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अप्रूव्ड अस्पतालों में बिहार के विधायक और पूर्व विधायकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग नीति तैयार कर रहा है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि राज्य के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। इसके साथ ही दरभंगा में एम्स की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। प्रिंस राज को अपने भाई चिराग पासवान से लग रहा है डर। रालोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान से अब उनके ही चचेरे भाई प्रिंस राज को डर लगने लगा है। हालांकि प्रिंस ने सीधे तौर पर अपने भाई का नाम तो नहीं लिया। दरअसल बीते दिन देर रात मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एक ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीमांत मृणाल सहित पार्टी के 7-8 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि कंकड़बाग के श्री साई हॉस्पिटल में उनकी माता जी का इलाज पिछले 2 दिनों से चल रहा है, जहां इन लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। हमारे आदमी के रोकने पर भी उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। मुख्यमंत्री से उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में सबसे टॉपर। राजस्थान रॉयल्स ने बीते दिन सनराइजर हैदराबाद को बड़े अंतर से मात दी है और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर पहुंच गई है। आईपीएल के शुरुआती 5 मुकाबले में अब तक सभी टीमों का एक मैच हो चुका है। ऐसे में पॉइंट टेबल का स्वरूप पूरी तरह से तैयार है और इस पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल कर टॉप पर जगह बना ली है। राजस्थान रॉयल्स 3.050 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है और उनके 2 पॉइंट है। अभी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और गुजरात ने जीत के साथ शुरुआत की है। ऐसे में सभी के 2-2 पॉइंट है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है गोलू कुमार सिंह, मंतोष कुमार, रघुनाथ प्रसाद, आदर्श सिंह, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद वसीम, विकी कुमार, अनंत कुमार, ध्रुव कुमार, सुभाष ठाकुर, सर्वेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है या नहीं? अपने
जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।